जो जिद्दी है वही कामयाब है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कोई भी वीडियो मिस ना करें, बेल आइकन को क्लिक करें। हमेशा जिंदगी में गांधी मत बनो, कभी कभी भगत सिंह भी बनना पड़ता है। जो बहुत ज्यादा सीधे होते हैं ना दोस्तों, उनको लोग अक्सर बेवकूफ बनाते हैं, उनके साथ हमेशा छल कपट करते हैं और बहुत बारी लोग उनको यूज भी करते हैं। हम इस दुनिया में बहुत किस्म के लोगों से मिलते हैं, कई ऐसे होते हैं जो हमें दिल से पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो सिर्फ मतलब के लिए हमारे साथ होते हैं। उनका मतलब सिद्ध होता है तो चले जाते हैं, फिर चाहे प्यार की भाषा में हो कह लो उनको, या फिर फ्रेंड कह लो, या फिर अपना कोई रिश्तेदार कह लो, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। भोलापन कैसे दूर करें, चंट चलाकी कैसे लाएं, सामने वाले से ऐसे बात करें कि सामने वाले को लगे यार मैं जिससे मिला हूँ उसको बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल है, अपने ऑफिस में अपना इम्प्रेशन कैसे बनाएं, ये सारे सवाल बहुत सारे लोगों के दिमाग में आते हैं और इसी का आज मैं आपको जवाब दूंगा। दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। दोस्तों एक सूरज नाम का लड़का था, उसके अंदर बहुत सारी कमियां थी, मगर कमियों से कई गुना ज्यादा उसके अंदर खूबियां थी। उसकी जिंदगी की जब स्टार्टिंग हुई तो स्कूल के अंदर सबके सब उसका इस्तेमाल करते थे, उसे कहते थे कभी नोट्स बनवाने के लिए, कभी होमवर्क कराने के लिए। कई बार तो उसने अपने दोस्तों की पूरी कॉपियां लिख के रखी, क्योंकि उसकी राइटिंग बहुत फास्ट थी। इनफैक्ट वो दोनों हाथों से लिख सकता था। वो चलाक नहीं था मगर विद्वान था, उसके अंदर भोलापन था मगर वो बेवकूफ नहीं था, उसके अंदर हर छल कपट नहीं था मगर होशियारी बहुत थी। दोस्तों वो सीधा था मगर अगर टेढ़ेपन पे आता तो बहुत विद्वान था। उसकी पढ़ाई और अच्छी होती गई, जितना ज़्यादा वो राइट करता उतना ज़्यादा उसका दिमाग तेज़ होता गया, जितना ज़्यादा वो अपने दोस्तों का होमवर्क करता उतना ज़्यादा उसका दिमाग तेज़ होता गया। जिंदगी की असमंजस जितनी बारी उसको यूज़ करा उतनी बारी वो और ताकतवर होता गया, जो कि उसको भी रियलाइज़ नहीं हुआ। उसको कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो कितना पढ़ाकू है, पढ़ाई में कितना अच्छा है, कितना विद्वान है, उसको हर चीज़ की नॉलेज है, मगर ये बात का रियलाइजेशन उसे हुआ नहीं सूरज को कभी। सूरज के चार घर छोड़ के एक लड़की रहती थी कविता नाम की, उससे वो बहुत ज्यादा लाइक करता था। कविता हर रोज उसको फोन करती थी, कभी उससे अपने नोट्स बनवाती थी, कभी उससे अपना होमवर्क करवाती थी, कभी उससे फिर उसके बाद जैसे जैसे वो कॉलेज में गए तब उससे पढ़ती थी, उसी से फ्री में पढ़ती थी खुद, क्योंकि उसे पता था सूरज बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत शरीफ भी। इनफैक्ट जब वो उसके घर पढ़ने आती थी सूरज उसके लिए खाना तक बना के रखता था कि मेरी फ्रेंड आएगी अभी, मैं उसको खाना भी खिलाऊंगा और साथ में उसको पढ़ाऊंगा भी, इतना सीधा। और जैसे जैसे कॉलेज खत्म हुआ सबने जॉब वॉब ज्वाइन करी, बिजनेस विजनेस ज्वाइन करा, वक्त बदला तेजी से साल दर साल बाद, उसने देखा नहीं करती ना ही कभी उसने कभी प्यार का इजहार करा, उसे सिर्फ दोस्त मानती है और दोस्त में भी जब अपना मतलब होता है तभी कॉल करती है। उसने देखा कि जब उसे कहीं जाना होता है उसे गाड़ी की जरूरत पड़ती है तब वो उसे कॉल करती है सूरज को। उसने देखा जब उसको अपने बॉयफ्रेंड से मिलना होता है इनफैक्ट वो तब उसे कॉल करती है। उसने बताया कविता ने कि मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है। सूरज को बहुत बुरा लगा बट फिर भी वो उसका फ्रेंड रहा। दोस्तों ऐसे लड़कों को आम भाषा में फ्रेंड जोन भी कहते हैं, वो था फ्रेंड जोन। मगर सूरज को एक बात पता थी कि वो जिंदगी में जो चाहे वो कर सकता है, बट वो फिर भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो सीधा था और आत्मविश्वास की बहुत ज्यादा कमी थी। उसकी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि कविता से जब भी मिलता था वो कहता था यार तुम इतनी खूबसूरत लड़की, मेरी फ्रेंड हो, मैं तो इसी बात से बहुत ज्यादा खुश हूं। दोस्तों जैसे से वक्त बीतने लगा उसकी मम्मी सूरज की उसके लिए काफी वरिड हो गई कि मेरा बेटा बहुत सीधा है यार। उसकी मम्मी ने उसे बताया एक दिन, बेटा तेरा कविता से क्या चक्कर चल रहा है, तेरी गर्लफ्रेंड है क्या है? तो वो कहता है मम्मी नहीं बस मैं उसको घुमाता हूँ, उसका तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तो मम्मी कहती है तो अपना टाइम क्यों वेस्ट करता है उसके लिए, तो उसे पसंद करता है राइट? तो उसने कहा हाँ मम्मी मैं उसे पसंद करता हूँ। उसकी मम्मी ने उसे सोचा मैं तुझे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊँ कोई फायदा नहीं, मैं तुझे एक सरल सा एग्जाम्पल देती हूँ बेटा। सोच तेरे पास एक डिजायर गाड़ी है, 2 लाख की तेरी गाड़ी है, तू बेचने गया उसको मार्केट में। जिसको तू बेचने जा रहा है तो उसको ये बोलेगा सर ये गाड़ी ना थोड़ी रिपेयर्ड है, इसको प्लीज़ ले लो सर। सर ये गाड़ी का ना टायर भी ख़राब है, मैंने कल ही बदलवाए हैं और इसके गियर बॉक्स में भी प्रॉब्लम है और ये ना थोड़ी बेकार सी गाड़ी है, इसको सर प्लीज़ ले लो सर। आप कभी ऐसा नहीं बोलोगे। यही बात सूरज की मम्मी ने उसे सिखाई। सूरज की मम्मी ने कहा हमारी गाड़ी बेकार भी होती है तो हम बोलते हैं बहुत अच्छी है।
हमारी गाड़ी के अंदर कमी भी होती है तो भी हम बोलते हैं बहुत अच्छी है, क्योंकि हमें उसके ज़्यादा से ज़्यादा दाम चाहिए। हम उसकी कभी कोई कमियां उजागर नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम कमियां उजागर करेंगे तो उस गाड़ी के इतने पैसे नहीं मिलेंगे, 2 लाख की गाड़ी के 1 लाख भी नहीं मिलेंगे। मगर यही बात सूरज को बहुत सरल तरीके से 2 मिनट में समझ आ गया। अब वक्त बदलने लगा, सूरज समझ गया ये मम्मियों की ना बातों में बड़ी ताकत होती है दोस्तों। कभी रात को आराम से अपनी मम्मी के साथ बेड पे बैठो और बातें करो, 1 घंटा बात करो और बोलो, मम्मी क्या मैं अच्छा नहीं दिखता, मम्मी क्या मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मम्मी माँ, माँ का जो ऑरा होता है ना दोस्तों, यकीन मानो अंदर से वो मोटिवेशन दे देगी तुम्हें तुम्हारी माँ। वो तुम्हें एक बारी में समझा देगी, बेटा तेरे जैसा खूबसूरत कोई नहीं, तेरे जैसा टैलेंटेड कोई नहीं, तेरे जैसा होशियार पापा दे सकते हैं थोड़ी बहुत गालियाँ आपको सुधारने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर माँ हमेशा आपका आत्मबल बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी। पिताजी भी बढ़ाते हैं मगर माता जो बढ़ाती है, माँ का वो ऑरा ही ज़बरदस्त होता है। उस माँ ने सूरज का ऐसा मोटिवेशन कर दिया, यकीन मानो उसे किसी और मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी। वो निकला अगले दिन घर से बाहर मस्त कपड़े पहन के, एकदम तैयार, ऐसे सोच के जैसे दुनिया जीत ली हो। जिस ऑफिस में लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, उस ऑफिस में लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लगे। उसका आत्मविश्वास इतना बड़ा हुआ था कि जितने भी उसके साथ साथ लोग काम करते थे वो समझ गए कि यार ये बंदा थोड़ा सा ना टेढ़ा है, इसके साथ थोड़ा सम्मान आदर सत्कार दे के बात करनी पड़ेगी। बहुत से लोग ऐसे थे जो उसके राज जानकर उसको ब्लैकमेल करते थे बाद में। उन सब से उसने कह दिया, बेटा जरा सुधर के रह लो मेरे साथ वरना नौकरी से निकाल दूंगा। और जो बॉसेस थे उनको बोल दिया, सर मैं नौकरी छोड़ के चला जाऊंगा, कम तनख्वाह में काम कर रहा हूँ, आपको पता है बहुत टैलेंटेड हूँ। ये बात सुनकर सबके सब हिल गए, भाई इसको अपनी ताकतों का पता कैसे लग गया, इसका आत्मविश्वास इतना कैसे बढ़ गया, इसमें हर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से भर गया। जिस लड़की से वो प्यार करता था, कविता, जिसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था, वो उसके पास गया, उसे बोला, यार तेरा बॉयफ्रेंड तेरे साथ है ना, तू खुश रहे यार उसके साथ, आगे से ना मैं तेरे से बात नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो टॉकिंग टू अ गर्ल एंड शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इनफैक्ट वो कह रही है कि वो मेरे बिना रह नहीं सकती। उसने जब ये कविता को बात बोली तो कविता भी हिल गई, वो अपने बॉयफ्रेंड से ऑलरेडी परेशान थी कविता। हो सकता है वो उसको छोड़ भी देती, मगर उसने कभी कंसिडर नहीं करा था सूरज को कि वो सूरज को बॉयफ्रेंड बना सकती है। मगर जब सूरज ने कॉन्फिडेंस से बोला ना कि भाई ऐसा है तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहे, मेरी लाइफ में एक लड़की आ रही है, मेरे ऑफिस में काम करती है, दीवानी है मेरी, वो कहती है कि तुम्हारे जैसा विद्वान इंसान नहीं देखा मैंने, शक्ल में बेशक से मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ मगर उसको मेरा इंटेलिजेंट, दोस्तों वो एक सैपियो एक वर्ड होता है, सैपियो उसके आगे भी एक वर्ड होता है, वो ऐसी औरतें होती हैं जिनको ऐसे आदमी पसंद होते हैं जो जिनकी इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। तो उसने बोला कि मेरे को एक ऐसी लड़की पसंद करती है जिसको ऐसे मर्द पसंद हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं। ये बात सुन के कविता हिल गई, कविता को भी रियलाइज़ हो गया कि ज़िंदगी में मैं उस लड़के से शादी करूंगी जो कुछ नहीं करता, बाइक पे सारा दिन घूमता रहता है, इंस्टेड ऑफ मैं सूरज से शादी कर लूँ, सूरज का रिलेशनशिप में आ जाऊँ। सूरज कितना ज़बरदस्त लड़का है, कितना तेज़ है, ये ज़िंदगी में कभी भी पैसे कमा सकता है, इसके पास बहुत दिमाग है, क्योंकि इसका लाइफ का इसके लाइफ के लेसन इसको लोगों ने दिए हैं इसका आत्मविश्वास तोड़कर। दोस्तों माँ की मोटिवेशन काम कर गई, माँ ने बता, क्योंकि माँ कभी ना आपको एक पता है दोस्तों क्या होता है, माँ को लगता है मैं अपने बच्चे की बुराई करूँगी ना तो अल्टीमेटली मैं ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, माँ हमेशा यही सोचती है, इसलिए माँ कभी आपकी बुराई नहीं कर सकती, माँ कभी भी अपने दिल से आपको आपका आत्मविश्वास नीचे नहीं गिराएगी, इनफैक्ट वो बढ़ा देगी, इतना बढ़ा देगी कि आपको किसी और के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सूरज को किसी और के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी। दोस्तों जब तक आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, खुद को इज्जत नहीं देंगे, खुद के ऊपर काम नहीं करेंगे, जिम नहीं जाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, खुद के ऊपर अच्छे अच्छे कपड़े पहन के खर्चा नहीं करेंगे, खुद के ऊपर टाइम नहीं देंगे, तब तक आपको ज़िंदगी में कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। बुलंद आवाज़ में ही बात करना, कभी भी रो कर न दी, कभी भी ये ना चन्ना मेरे यहाँ किसी लड़की के लिए रोना धोना ये सब मत करना दोस्तों, कभी ये कविताएँ मत पढ़ना कि उसकी नादानियाँ चलाकियों में बदलती रही और मेरे दिल में मोहब्बत कुट कुट के मरती रही। हो सकता है आपके मन के अंदर ये बातें हों मगर कभी भी उनको जाहिर मत होने देना।
दोस्तों वही इंसान चंचलाक होशियार भोलापन दूर कर सकता है जो विद्वान सोच समझ के बात करे, किससे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, कितनी बात करनी है, ये सारी चीज़ें सोचने के बाद तभी काम करे। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बोले हैं तो आप ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं बन सकते। बहुत पुरानी कहावत है, चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोता खाए, सीधे साधे इंसान को आसानी से प्रभु मिल जाए। हो सकता है आप चंचलाक ना हो, मगर होशियारी से अपना हर काम करिए। कोई ज़रूरत नहीं है आपको चंचलाक बनने की, अपने भोलेपन से ही आप दुनिया को जीत सकते हैं। बस सोच समझ के अपने डिसीजन लीजिए और वो डिज़ायर वाली बात कभी मत भूलना, अपनी गाड़ी की, अपनी चीज़ की कभी खुद बुराई मत करना। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, इसको लाइक करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।